इस वक्त आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने जियो मीट का वेबसाइट ओपन करके रखा हुआ है। तो जियो मीट जो है रिलायंस जियो कंपनी का एक नया ऐप है जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का काम करता है। तो अगर आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं, ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करना चाहते हैं, या फिर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू किसी से बात करना चाहते हैं, तो आप इस जियो मीट ऐप का यूज़ कर सकते हैं। ये फ़ोन के लिए भी अवेलेबल है और विंडोज 10 कंप्यूटर के लिए भी अवेलेबल है। तो आप इसको कैसे कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे वो हम इस वीडियो में देखेंगे, और इससे हम मीटिंग कैसे होस्ट करते हैं वो भी देखेंगे। और इसमें सबसे अच्छी एक बात ये है कि इसमें आप 24 घंटे तक कंटिन्यूअस विदाउट एनी इंटरप्शन आप अपनी मीटिंग जो है अटेंड कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी लिमिट नहीं है कि 40 मिनट्स तक ही सेशन चलेगा या फिर 1 आवर तक सेशन चलेगा। आप 24 आवर्स तक कंटिन्यूअस ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हैं। जिसको डाउनलोड करने के लिए आपको इसकी वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पे geometpro.jio.com/home इसकी वेबसाइट का लिंक है। और यहाँ पर देखिए, जब आप वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपको एक डाउनलोड का बटन दिखेगा। आपको इस बटन पे क्लिक करना है और ये आपको इस पेज के सबसे नीचे ले जाएगा। यहाँ पर आपको एक डाउनलोड ऑन विंडोज़ का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये एक इंस्टॉलर को आपके कंप्यूटर में डाउनलोड करेगा। तो जब ये डाउनलोड हो जाए तो आप इस पे क्लिक कर दीजिए और इसको रन करिए। अब ये इस तरह से जो है ऐप आपके कंप्यूटर में आगे इंस्टॉलेशन करने के लिए आपसे परमिशन मांगेगा। तो यहाँ पे हमें प्रोसीड पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर ये हमें बता रहा है कि ये इस लोकेशन पे जो है सेव होने जा रहा है और इसको इतनी मेमोरी जो है आपके कंप्यूटर में चाहिए। तो यहाँ पे इसको अग्री रखेंगे और इंस्टॉल नाउ बटन पे क्लिक करेंगे। अब ये ऐप जो है इस कंप्यूटर में इंस्टॉल होगा। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जियो मीट ऐप इस कंप्यूटर में इंस्टॉल हो गया है। अब इसको अगर रन करना है तो रन ऐप पर क्लिक करेंगे या फिर हम डायरेक्ट फिनिश कर सकते हैं। फिनिश करेंगे तो ये अभी रन नहीं होगा, हमें खुद से इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अभी हम इसको यूज़ करना चाहते हैं तो हम इसको अभी रन ऐप पर क्लिक करेंगे। अब देखिए, अब ये हमसे पूछ रहा है कि हमें मीटिंग ज्वाइन करनी है या फिर हमें साइन अप करना है या साइन इन करना है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको मीटिंग सिर्फ ज्वाइन करना है तो आपको यहाँ पे साइन अप या साइन इन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट ज्वाइन अ मीटिंग पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको जो मीटिंग लिंक मिली होगी आप उसको वहाँ पे एंटर करके मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आप मीटिंग स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर आप क्लास स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करना पड़ेगा। साइन अप पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक छोटा सा फॉर्म दे दिया है जिसमें आपका नाम, आपका ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर आप एंटर करके यहाँ पे अपना आईडी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं अपना डिटेल भरता हूँ और उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ कि कैसे इससे हम मीटिंग को स्टार्ट करेंगे। तो अब एक ईमेल लिंक आएगा आपके ईमेल आईडी पे, जो भी ईमेल आईडी आपने दिया होगा वेरिफिकेशन के लिए, उस ईमेल आईडी को ओपन करके वहाँ से लिंक को वेरीफाई करेंगे।
तो ये सबसे पहला लिंक है जो जियो मीट से आया हुआ है, इसको ओपन करते हैं और यहाँ पे देखिए ये वेरीफाई का बटन दिया हुआ है, इसे क्लिक करके हम अकाउंट को वेरीफाई करेंगे। यहाँ ये अकाउंट जो है वेरीफाई हो गया है। अब हमें यहाँ पे अपना पासवर्ड सेट करना है, जिस पासवर्ड से हम जियो मीट पर लॉगिन करना चाहते हैं। और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए पर्सनल मीटिंग का लिंक दिया हुआ है और स्टार्ट मीटिंग नाउ का बटन दिया है। तो मीटिंग स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट मीटिंग नाउ पे क्लिक करेंगे। और इस तरह से जो है मीटिंग स्टार्ट हो गई है। अब कोई भी मीटिंग हमारी ज्वाइन करेगा तो उसकी लिस्ट हमें यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स के अंदर दिखेगी और हम यहाँ से चाहे तो मीटिंग एंड भी कर सकते हैं। और यहाँ रिकॉर्ड का भी ऑप्शन दिया हुआ है और ये देखिए यहाँ पर मीटिंग की इन्फॉर्मेशन भी दी है, जिसको किसी को हम शेयर करना चाहते हैं तो हम वहाँ से शेयर कर सकते हैं। मीटिंग एंड करने के लिए एंड मीटिंग पे जाके क्लिक करना है।